पहा 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 हाथ एक कुत्रा आवाज लावायचा मोबाईल मध्ये भाऊ बजे है शाम के 7:30-7 बजे मैं आया हूँ टेरेस पे कि आप देख सकते हो कि जो आपको पीछे दिख रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है गाइज। अच्छा है संडे के दिन यहाँ पे बंद रहता है वरना ठाक ठूक इतना आवाज़ आता है ना, इतना डिस्टर्ब होता है। तो गाइज क्या हुआ ना, 6:30 बजे लाइट गई है, कब की गई है, 1 घंटा हो गया अभी तक लाइट नहीं आई है। तो मैं सोचा कि टेरेस पे आके आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। और एक यहाँ पे ऊपर और एक फ्लोर बनेगा, उसके ऊपर और 2 फ्लोर बनेंगे। वैसे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, नीचे पार्किंग एरिया है ग्राउंड एरिया में, और बस यही है गाइस। और क्या, लाइट अभी तक आई नहीं है। दिक्कत ये है कि लाइट आएगी या नहीं आएगी, या फिर पूरी रात हमको बिना लाइट के ही काटनी पड़ेगी। तो गाइज़ अभी देखना पड़ेगा, अभी से थोड़ा और वेट करते हैं 1/2 घंटा, फिर उसके बाद ऑनर को कॉल करते हैं। हेलो, लेट्स गो फॉर डिनर, 5 मिनट्स डे व्हाट आई एम मेकिंग फ्रेश जूस। व्हाट फ्रेश जूस? फ्रेश जूस, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर फ्रेश जूस, दिस इज टाइम फॉर डिनर। ब्रो व्हाट आर यू डूइंग? आई एम हंग्री। 5 minutes. No, bro. What 5 minutes? Let's go for dinner. What? 5 minutes. Not 5 minutes, bro. Yeah. कैमरा सेट हो चुका है यहाँ पे, अभी वहाँ पे भी मैं कैमरा सेट कर देता हूँ, फिर लेते हैं हैरी के मजे। कृष्ण गाइज वेलकम बैक टू द व्लॉग, आई होप ऑल ऑफ यू मजा माँ। सो एक्चुअली अभी ऑफिस में कुछ काफ़ी एक मसला चल रहा है और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है। और आप अभी आगे वीडियो में देखोगे क्या होता है। आज हैरी के थोड़े मज़े लेते हैं, उसके ईयरफोन में यहाँ पे उसके ऊपर देता हूँ, और फिर आगे देखते हैं कि वो उसका जो ईयरफोन है अगर उसको उसके जगह पे नहीं मिलते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है और वो कैसे फाइंड आउट करता है। तो आगे वीडियो में चले देखते हैं। मैं ईयरफोन किसने छुपाया था? मैं ईयरफोन किसने छुपाया था? तो गाइस सिक्योरिटी आज काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है, बाहर लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या रूल पास होता है और हम लंच के लिए बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ती कसं आहे जे जे बँक चेंज डे ट्रान्झॅक्शन असेल त्याच्यावर आपण रूल्स असतात काहीतरी, ते रूल्स मॅच करून त्याच्यावर अलर्ट जनरेट अपलोड केलेले असतात आपल्याकडे, काही ते अपलोड केलं ना ते कस्टमरला काही डेटा मॅच झाला तर त्याच्यावर अलर्ट जनरेट होईल। ती आहे ती असते मॅन्युअल वाले बी तसंच करतो सेम तेच आहे ते मॅन्युअल सगळीकडून जे क्रिएट केस होते नाही ते अलर्ट वरून जनरेट करणं मॅन्युअल नाही, क्रिएट न्यू केस मध्ये जो मॅन्युअल केलं ना मॅन्युअली आपण सिलेक्ट करू शकतो कुठल्या ह्याच्यावर मला पण केलं पाहिजे खुद से ट्रान्झॅक्शन सिलेक्ट करणं कसं खुद से आणि क्रिएट केस का करतो मला काय माहित बघू मी काही तर ही आहे मी अरे मला रँडम और बताओ सिक्योरिटी के बारे में और क्या लगता है? हाँ तो गाइज कुछ एम्प्लॉय को हमारे ऑफिस में सेंसलेस सिक्योरिटी लग रही है और मैं ऑफिस के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। और अरे सच में कर रहा हूँ, तुम्हें लू क्या क्या है ये मजा की लग रहा है बना के दीपक सर को भेज दो नहीं 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 अभी लंच के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है कि अभी ऐसा बोल रहे हैं कि 1 से 2 बजे के बीच में ही लंच करने जाने देंगे। सो देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। काफ़ी सीरियस इशू है ऑफिस में, ऐसा सब बोल रहे हैं कि बम मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट कितना सच है कितना नहीं है
ये एक्चुअली अभी हमको पता नहीं है बट हाँ ऐसा सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह कर रही है, बैग चेक कर रही है, तो इससे तो यही लगता है कि कोई काफ़ी सीरियस मसला है। और ऑफिस में आज हमको 3 बजे ही बोल दिया कि घर पे जाने का, और बार बार गाइज सिक्योरिटी गार्ड पुलिस और कुत्ते बार बार आके चेक कर रहे हैं कि ऑफिस में कहीं पार्किंग में या कहीं किसी फ्लोर में बम है कि नहीं है, बॉम्ब है कि नहीं है, कहीं काफ़ी सीरियस मसला है। अभी पता नहीं आगे क्या होता, बट ये पूरा वीक बस ऐसे ही चला, तो बस यही था गाइज। और आज हमें 3 बजे बोल दिया कि घर पे चले जाओ, और नीचे के जो 2 फ्लोर के ऑफिस है उन्हें तो बोल दिया कि अब वर्क फ्रॉम होम करो, बट हमारे कंपनी ने अभी हमको नहीं बोला है वर्क फ्रॉम होम का। हमें बस आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हमें 3 बजे बोल दिया कि आप घर पे जाके काम करो, घर पे जाके भी आप काम करो। तो अभी मंडे को होली है, ट्यूसडे का पता नहीं कि ट्यूसडे को ऑफिस आना पड़ेगा, मुझे यही सब चलता रहेगा क्योंकि आज ब्रेकफास्ट के लिए भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे और लंच के लिए भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे। अगर ऐसा है तो कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम दे देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ इसका हल निकालना चाहिए। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है और क्या वाकई में ऐसा है या ऑफिस में टाइम बम लगाया है कि क्या ऐसा कुछ है, इलीगल एक्टिविटी होने वाली है तो हमें कुछ नहीं पता है गाइज। बट अभी पता नहीं नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस काफ़ी सारे ऑफिस में आ गए थे और साथ में कुत्ते भी बहुत सारे लेके आए थे क्योंकि उनको फाइंड आउट करना था बॉम्ब है कि नहीं है। मंडे को रात को आए थे और अभी 1-2 दिन चेकिंग हुआ, मतलब नॉर्मल चेकिंग हुआ, फिर भाई आज तो पूरा बैग चेकिंग किया उन लोगों ने, किया तो किया बट अभी फिर 4-5 बजे दोपहर को फिर से बहुत सारे पुलिस और कुत्ते आए थे, फिर से वो छानबीन कर रहे थे उनका। यही है गाइज, और जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे मैं आपको देता जाऊँगा। एक्चुअली हुआ क्या ना कि एक रिगस करके कंपनी है, तो वो कंपनी का कोई तरी है बड़ा इंसान, सीईओ या कुछ होगा, तो धमकी आई है आउट ऑफ कंट्री से